चलिए दोस्तों, तो हम देख रहे थे कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो 402 तक देख लिए हमने, 403 देखते हैं अब आगे। बीबिंग मशीन की कंट्रोल तर्ज पर किसे पंच कार्ड के प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, हरमैन हॉल रिथ को। 404 है डेडिकेटेड संगणक का मतलब है, तो सी ऑप्शन सही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड दिया जाए। 405वां देखते हैं, संगणक की कीबोर्ड का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस प्रयुक्त से है? तो बी ऑप्शन सही है, आगत। 406 है इसमें, उस यंत्र का क्या नाम है जो कंप्यूटर के सिग्नल को ऐसे रूप में बदल देता है जो टेलीफोन लाइन से भेजा जा सकता है? तो सी ऑप्शन इसमें मॉडेम। 407 है, छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रिंटर कौन सा है, कौन है? तो ए ऑप्शन सही है, लेजर प्रिंटर। अब 408 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? तो बी ऑप्शन है, डॉट मैटिक्स प्रिंटर। 409 है, कंप्यूटर चिप बनाने में क्या उपयोग होता है? तो ए ऑप्शन है, सिलिकॉन। 410 है, द की दैट इज यूज टू सेंड टाइप इन ट्रेक्चर स्टेशन इंट्रैक्शन टू द कंप्यूटर टू कंफर्म कमांड एंड टू क्रिएट लाइन एंडिंग इन डॉक्यूमेंट थ्रू विथ ए वर्ड्स प्रोसेसर। तो ए सी ऑप्शन इसमें स्क्रॉल है। 411 है, एक फ्लॉपी डिस्क में होता है? तो ए ऑप्शन है, वृत्ताकार टेक्स्ट और सेक्टर। 411 हो गए। 412 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बी ऑप्शन सही है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। 413 है, निम्नलिखित में से किसने बुनाई मशीन का कंट्रोल पैनल पंच कार्ड के रूप में प्रयोग किया था? तो बी ऑप्शन है, हॉले रिथ। 414 है, कंप्यूटर की बोर्ड को किस युक्ति में क्लासीफाई करेंगे? तो बी ऑप्शन सही है, इनपुट। 415 है, एक टेलीफोन लाइन को दूसरे टेलीफोन लाइन किस युक्ति की सहायता से जोड़ा जाता है सकता है? तो ये ऑप्शन है, मॉडेम। 416 है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? तो बी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। 417 है, निम्न में से कौन एक स्कैनर का प्रकार है? तो बी ऑप्शन है, फ्लैट बेड स्कैनर। 418 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो सी ऑप्शन है, 8। 419 है, सीपीयू के मुख्य दो भाग हैं? तो बी ऑप्शन सही है, कंट्रोल यूनिट व ALU। 420 है, निम्नांकित में कौन सा वैध कथन है? तो ए ऑप्शन है, 1 की बराबर 1024 बाइट्स। 421 है, माइक्रो प्रोसेसर स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को कहते हैं? तो सी ऑप्शन, एड्रेस बेस। 422 है, कंप्यूटर सिस्टम के सभी यूनिट कंट्रोल होते हैं? तो सीपीयू द्वारा, सी ऑप्शन सही है। 423 है, 1 किलोबाइट बराबर होता है? तो सी ऑप्शन, 1024 बिट्स। 424 है, डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है? तो डी ऑप्शन है, डाटा यूनिट। 425 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है, जो कि सीपीयू का एक भाग है, अतः यह कंप्यूटर प्रोसेसर में रहता है और यह लॉजिकल कार्यों को पूर्ण करता है। 426 है, 1 किलोबाइट बराबर होता है? ए ऑप्शन, 1024 बाइट्स। 427 है, एक वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, इसे कहते हैं बी, हाइपरलिंक। 428 है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो ए ऑप्शन है, इंटरनेट। 429 है, विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक प्रवर्तक हैं? तो डी ऑप्शन है, टिम बर्नली। 430 है, याहू गूगल MSN है? तो ए ऑप्शन, सर्च इंजन। 431 है, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है? तो बी ऑप्शन है, सब्जेक्ट।
ऐसे 432 ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है मॉडेम कहलाते हैं। 432 इंटरनेट क्या है? तो डी ऑप्शन है सही, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं का अंतंत। 433 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो ये सही है, एनालॉग। 434 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो बी ऑप्शन सही है, इंटरनेट। 435 है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो ई ऑप्शन सही है, स्पैम। 436 है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं? सी, होम पेज। 437 है, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है? डी, इंटरनेट। 438 है, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो डी ऑप्शन सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। 439 है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लैश। ए ऑप्शन सही है। 440 है, किसी संगठन के वेबसाइट का डॉट कॉम अंश सूचित करता है? कमर्शियल। डी ऑप्शन सही है। 441 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो साइंस डायरेक्ट, बाकी सब सर्च इंजन है। ठीक, 442 है, एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तो इसका आधार हाथ जैसा होता है? तो बी ऑप्शन सही है, हाइपर लिंक। 443 है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ई ऑप्शन सही है, नॉन ऑफ दीज। 444 है, उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन, इंटरनेट। 445 है, वेब अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन, अमेरिका में। 46 है, वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है कहलाता है? गेटवे। 447 है, HTTP का उपयोग करती है? तो डी ऑप्शन है, MTP। 48 है, 448, यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में EDU AS है तो यह है? डी, USA, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। 449, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो डी ऑप्शन सही है, इंटरनेट को। 450 है, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो बी ऑप्शन सही है, HTTP। 451 है, एक वेबसाइट समूह है? तो ए ऑप्शन सही है, वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। 452 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? सी ऑप्शन सही है, TCP/IP। 453 है, HTML का पूरा रूप है? तो बी ऑप्शन सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 454 है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, अनसॉलिटेड ईमेल। 455 है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन सही है, होम पेज। 456 है, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है? ए ऑप्शन, URL सही है। 457 है, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो सी ऑप्शन सही है, HTTP। 458 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन सही है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। 459 है, नेटवर्क और पर दस्तावेज की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है? ए ऑप्शन सही है, फ्लॉपी। 460 है, एक कंप्यूटर है जो एक ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है? तो डी ऑप्शन सही है, वेब सर्वर कहलाता है। 461 है, URL में HTTP होता है? तो सी ऑप्शन सही है, प्रोटोकॉल। 462 है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? तो ऑप्शन, ब्राउजर।
463 है, ओ आर जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो डी ऑप्शन सही है संगठन। 464 है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा, डी ऑप्शन सही है HTML के रूप में सेव करना। 465, सभी वेबसाइट्स तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है, तो सी ऑप्शन हिस्ट्री लिस्ट से। 466.com, 466 क्वेश्चन है, .com का संबंध है, तो सी ऑप्शन है व्यापारिक संस्था। 467, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है, तो ये ऑप्शन है 15 अगस्त 1995, ब्राउजर है। 468वां क्वेश्चन है, ब्राउजर है, सी ऑप्शन सही है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। 469 है, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं, सी ऑप्शन सही है डाउन लोडिंग। 470 है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, तो डी ऑप्शन सही है 1995। 471, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो डी ऑप्शन डोमोडेम। 72 है, वेबसाइट एड्रेस URL एक यूनिक नाम है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है, तो सी है वेबसाइट। 73 है, 400, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दाएं हैं, ई ऑप्शन सही है रिफ्रेश। 474 है, www से शुरू होने वाला पता जिससे संबंध रखता है, डी वेबसाइट कहलाता है, वेबसाइट होता है। 475 है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, तो URL बी ऑप्शन सही है। 476, इंटरनेट का www का अर्थ है सी वर्ल्ड वाइड वेब। 470, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जो बाकी पेज वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं बी ऑप्शन होम पेज। 478, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है मॉडेम। 479, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं, तो सी ऑप्शन है उपयुक्त तो दोनों द्वारा, मतलब BSNL द्वारा, MTNL द्वारा, BSNL द्वारा, MTNL द्वारा। 480 है, चित संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहते हैं, बी ऑप्शन है 30 दिन। 481, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ऑप्शन सही है ठीक। 482 है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो ये ऑप्शन मॉड्यूलेटर डेमो डूलेटर, ये ऑप्शन सही है। चलिए 483 देखते हैं, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब लॉग, वेब लॉग, ये ऑप्शन सही है। 484 है, सीसी का क्या है, सीसी क्या है, डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना, डी ऑप्शन सही है। 485 है, इंटरनेट का पूरा नाम है, बी ऑप्शन सही है इंटरनेशनल नेटवर्क। 486 है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, ए ऑप्शन सही है मॉडेम। 87 है, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, तो डी ऑप्शन है ये सभी हैं, हॉटमेल, रेडी, रेडिप मेल, याहू। 488, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भाग को अपने आप पूरा कर लेता है, तो बी ऑप्शन सही फॉर्म तथा डेट। 489 है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो डी ऑप्शन सही है इसमें इंटरनेट को। 490, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो डी ऑप्शन है रे टॉम लीसन। 491, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, बी ऑप्शन सही है इसमें ई कॉमर्स। 495, 92, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं होता हो सकता, तो सी ऑप्शन है स्पेस। 493 है, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक रहे हैं, बहुत बार पढ़ लिया हम लोगों ने, टिम बर्नर्स ली, डी ऑप्शन सही है।
चलिए 494 देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट होता है तो बी ऑप्शन सही है, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जुड़कर भेजा जा गया है। 495 क्लासरूम ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई लर्निंग, डी ऑप्शन सही है। 496 याहू गूगल MSN है, ए ऑप्शन इंटरनेट साइट्स। 497 स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो कंप्यूटर, ए ऑप्शन सही है। ई व्यापार का अर्थ होता है सी इंटरनेट पर व्यापार। 499 ईमेल का जन्मदाता माना जाता है सी आर टॉम लीसन। 500 भारत में सबसे दिखाई देने वाला वायरस है में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। 501 है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है सी ऑप्शन ईमेल, ईमेल है सी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। 503 चैटिंग है, डी ऑप्शन एक रियल टाइम कन्वर्सेशन सर्शन, डी ऑप्शन सही है। 504 है हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है, तो डी ऑप्शन सही है मॉडेम कहा जाता है। 505 क्वेश्चन है ईमेल भेजना सामान है सी पत्र लिखने के लिए। 506 है वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ये ऑप्शन दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। 507 है चैट क्या है, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में निम्नलिखित रूम में चर्चा करता है, सी बी ऑप्शन सही है। 508 है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, तो ए ऑप्शन सही है पासवर्ड। 509 है प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं सी ऑप्शन मेल बॉक्स। 510 है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर की प्रोसेस को कहते हैं सी ऑप्शन डाउनलोडिंग। 511 है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं, तो ए है टर्मिनल। 512 पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं नेटवर्क। 513 है संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्था द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वैन कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही है वैन। 514 है 14 नेकलेट है, तो डी ऑप्शन सही है भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क नेकनेट। 515 है ट्रॉपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सी ऑप्शन है नेटवर्क सर्वर। 516 है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, ए ऑप्शन नेटवर्क। 517 है लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, सी ऑप्शन बैंड को। अरपानेट है ए विश्व का पहला वैन। 519 सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो से कनेक्ट दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये नेटवर्क है इसमें, ए ऑप्शन सही है। 520 है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। 521 है ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरित डिजिटल के रूप में होता है, डी ऑप्शन सही है। 522 है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, बी ऑप्शन मॉडेम। 523 है टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, सी ऑप्शन बस। 524 सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है, ये ऑप्शन सही है नेटवर्क। 525 से पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं नेटवर्क से, सी ऑप्शन सही है। 526 है सिम का पूरा स्वरूप है सब्सक्राइब्स वर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये ऑप्शन सही है। 527 से बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैन एक कॉरपोरेट के उपयोग
से कनेक्ट किया जा सकते हैं, तो डी ऑप्शन है इसमें वैन। 528 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है? लैन। 529 से दूरदर्शन प्रसारण में चित संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, ये ऑप्शन सही है। 530 है, वी मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी ऑप्शन संचार प्रौद्योगिकी। 531 है, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, ई सही है, सी सही है इसमें, सी ऑप्शन इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। 532 है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग LAN किसके लिए उत्तर उपयोगी है? तो सी ऑप्शन है व्यापारी। 533 है, आभासी निजी परिपथ क्या है? बी ऑप्शन सही है, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो उपयोगताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। 534 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फोन, सूक्ष्म तरंग अवन वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 GHZ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो डी ऑप्शन सही है, चारों कर सकते हैं। 535 है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग उदाहरण है? तो बी ऑप्शन सही है, हाफ डुप्लेक्स। 536 क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, आर्पानेट। 537 है, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। 38 है, बैकबोन संबंधित है? तो डी ऑप्शन इंटरनेट से। 539 है, निम्नलिखित में किस तकनीकी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, इंफ्राइड। 540 है, प्रथम नेटवर्क जिसे इंटरनेट की नींव पड़ी अर्पानेट है, ये ऑप्शन सही है। 541 सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, 6GHZ। 542 है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, ए ऑप्शन रिपीटर। 543 है, जब कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लैन, ए ऑप्शन सही है। 544 है, एक सेंट्रल कंप्यूटर जो कंप्यूटर से PCS वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा प्रोग्राम के संग्रह का होल्ड करता है कहलाता है, डी ऑप्शन सही है, सर्वर। 545 है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है, ए ऑप्शन सही है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। 46 है, 546 किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा? तो बी ऑप्शन सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। 547 है, एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टेपिकली कनेक्ट करता है, तो ए ऑप्शन लैन। 548 है, लैन से जुड़े कंप्यूटर कहते हैं? तो बी ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर। 549 है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो सी ऑप्शन है, जनरेशन। 555 है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता सकता है कहलाता है, बैन, बी ऑप्शन सही है। 551 है, किसी टेपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है, नेटवर्क सर्वर। 552 है, डम टर्मिनल क्या है? तो बी ऑप्शन नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। 553 है, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है, सी ऑप्शन बिट प्रति सेकंड। 554 है, मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA
ए प्रौद्योगिकी है, तो सी ऑप्शन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 555 है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ छोटी एकल एकल राइट नेटवर्क से है, तो ए ऑप्शन लैन। 556 है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, ये ऑप्शन पेंटर्स पेंटर्स। 557 है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, ये ऑप्शन सही है। 558 है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है डी ऑप्शन मॉडेम। सही है। 559 है, WWLL का पूरा रूप है, डी ऑप्शन वायरलेस एंड लोकल लूप। 560 है, इंट्रानेट क्या है, तो सी ऑप्शन है किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त अंतरिक्ष नेटवर्क, सी ऑप्शन सही है। 561 है, एक नियम का सेट है, तो इसमें प्रोटोकॉल। 562 है, इस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, तो बी ऑप्शन वायरलेस। 563 है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, सी ऑप्शन गेटवे। 64 है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो बी ऑप्शन है इसमें नेटवर्क। 565 है, इस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में दो दिशीय कड़ियां हैं, तो डी ऑप्शन है मेस मेस। 566 पूर्णता अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थान स्थिति के एक अन्य नाम है, तो ए ऑप्शन मेस। 567 है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो उपयोग होता है, तो सी ऑप्शन इंट्रानेट। 568 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन सही है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। 569 है, इस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है, तो सी ऑप्शन है कैंपस एरिया नेटवर्क। 570 है, टेपिकल ट्रिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है, सी ऑप्शन सही है नेटवर्क सर्वर। 571 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो सी ऑप्शन मॉडेम। 572 प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, ये ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ए ऑप्शन सही है। 573 लैन वैन मैन विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर जाल क्रम नेटवर्क के है, इनके प्रथम अक्षर LWM कम से किन के लिए हैं, तो सी ऑप्शन है सही, लोकल वाइड मेट्रोपॉलिटन। 574 किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, सी कैंपस एरिया नेटवर्क। 575वां क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम है, ए ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। 576 है, ईथरनेट है, तो ये ऑप्शन लैन। 577 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल वाइड साइट नेटवर्क है, तो ये ऑप्शन लैन। 578 है, फायरवॉल का काम है बी ऑप्शन सिस्टम को हैकरों से बचाना। 579 है, ऐसे कई सुरक्षा उपकरण जिनका प्रयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका फायरवॉल किस संयोजन से प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन है फॉक्सी सर्वर। 580 है, फ्लाइट का संबंध है, तो ये ऑप्शन कुकीज से। 581 है, वेलकम टू द डागियों संदेश किस वायरस की पहचान है, तो बी ऑप्शन है ब्रेन ब्रेन। 582 है, रेड डॉक्स किस प्रकार का वायरस है, ऐसे तो डी है इसमें बूट सेक्टर वायरस। 583 है, पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है, तो बी ऑप्शन है ब्रेन वायरस। 584 है, ऐसे वायरस जो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं और कुछ काम करते हैं और डाटा की क्षति होती है उसे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन इंसेक्ट। 585 है, इंटरनेट पर फ्लेमिंग शब्द का क्या अर्थ है, सी ऑप्शन है गाली के लिए। 586 है, क्लेम बिन क्या है, तो ये ऑप्शन सही है ओपन सोर्स कार्ड एंटीवायरस। 587 है,
कुकी है, तो ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 588 है सेफ्टवेयर, क्या है? तो ए ऑप्शन सही है, वह ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। 589 है फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है? ए सही है, जो फाइलों में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इनफेक्टिव कर देते हैं। 490 एंटीवायरस का क्या काम होता है? बी ऑप्शन सही, कंप्यूटर के वायरस को खोज कर नष्ट करना। 491 है कंप्यूटर वायरस क्या है? ए ऑप्शन प्रोग्राम। 592 है गूगल, याहू, MSN, नेट स्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट हैं। डी ऑप्शन सर्च इंजन। 593 किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिक या उपलब्ध कराने को कहते हैं वेब होस्टिंग। डी ऑप्शन सही है। 494 594 सॉरी 594 वाला एक कुकी, इसमें ए ऑप्शन सही, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। 595 इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है व इसके एक डायल काउंट व मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, तो ए ऑप्शन टेलनेट। 596 ऐसे डिवाइस हैं जिनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन मॉडेम। 597 स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है अनसॉलिसिटेड ईमेल। 598 इंटरनेट का पूरा नाम है, बी ऑप्शन सही है इंटरनेशनल नेटवर्क। 599 स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से, ये ऑप्शन सही है। 600वां क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। 601 है मैं माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, तो डी ऑप्शन है इसमें 1893 में। चलिए हमने इस लेक्चर में देख लिया है 601 तक क्वेश्चन नंबर, 602 से आगे के कंप्यूटर साइंस संबंधित क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे।